साल हो जी जी पूरा 13-14 टंके आए थे जी हिप्स में हाँ। तो उसकी सफाई करके उन्होंने 2 महीने के लिए बेड रेस्ट पे रखा हुआ जी जी। मैं बिल्कुल अब जैसे चलता हूँ एक जगह बैठ जाता हूँ उठने में दिक्कत होती है जैसे थोड़ा सा आगे जाके आगे झुकना हो झुकना हो जाता है बाइक पे ऐसे पैर फैलाना हो उसमें भी दिक्कत होने लगी है बैठ तो पाए उस जब से तो आप लास्ट टाइम आपने पालती कब मारी थी जमीन पर कब बैठे थे वो तो जब 2009 में मतलब 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं आपको ये चीज करे हुए मतलब जैसे हो ही नहीं पाएगी ऐसा लगता है और पेन कैसा रहता है आपको पेन तो बहुत देर तक रहता है इसमें जैसे चलता हूँ हाँ और जैसे सवेरे उठता हूँ हाँ सवेरे आधा घंटा या 45 स्टिफ रहता है बैठे रहना पड़ता है जैसे आपको उठते ही एकदम चलना हो जाना हो तो पॉसिबल नहीं है अब आप शूज वगैरह पहन लेते हो कुछ दिखाओ जरा कैसे हाथ पहुंच जाता है आपका हाँ आराम से आप पहन लेते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपको ठीक है बिल्कुल 80-90% फायदा लग रहा है जैसे आपने सालों से पालती नहीं मारी थी वही 15-16 साल 15 साल से पालती नहीं मारी थी अब आप मार पा रहे हो एक बार करके दिखाएंगे कंफर्टेबली पालती मार लेते हो आप चलो बहुत बढ़िया तो आपको क्या तकलीफ होती है कपिल आप हमें बताइए सर तकलीफ तो अब जैसे जब ऑपरेशन हुआ था ना हाँ, पहले जब जी इन्फेक्शन हुआ था जी, बचपन जी, में 15 साल पहले 2008 में तो उस टाइम ऑपरेशन हुआ तो उन्होंने जैसे पस निकाला वो जी जी पूरा 13-14 टंके आए थे जी हिप्स में हाँ, तो उसकी सफाई करके उन्होंने 2 महीने के लिए बेड रेस्ट पे रखा हुआ था जी 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 तो उस पे जब खैंच लगा दी गई थी ना बेड पे तो वो 1 महीने के बाद ऑपरेशन के 2 महीने तक तो बेड रेस्ट उसके बाद 1 महीने के बाद फिर रेस्ट के बाद फिर निकाली गई थी फिर उन्होंने एक्सरसाइज वगैरह बताई थी जब एक्सरसाइज की थी ना जब पूरा मुड़ने लग गया था पूरा मुड़ने लग हाँ, गया जी। उसके 6 महीने के बाद ये ऑटोमेटिकली जाम होने लग गए जाम होने लग गया तो ये तो काफी साल पुरानी बात है हाँ, अपने को इन्फेक्शन होता अब हाँ, जो है तकलीफ बढ़ती नजर आ रही है आपको जी अब तो जब जैसे अब सर्दियों में ना बिल्कुल अब जैसे चलता हूँ एक जी। जगह बैठ जाता हूँ उठने में दिक्कत होती है जैसे थोड़ा सा आगे जाके आगे झुकना हो हाँ झुकना हो जाता है बाइक पे ऐसे पैर फैलाना हाँ, हो उसमें भी दिक्कत होने लगी है उसमें भी दिक्कत है बैठ तो पाए नहीं पर उस जब से उस तो टाइम आप से लास्ट टाइम आपने पालती कब मारी थी जमीन पे कब बैठे थे वो तो जब 2009 में 2009 में मतलब 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं आपको ये चीज करे हुए हाँ मतलब 14 साल जैसे हो ही हो नहीं पाएगी ऐसा लगता है हाँ और पेन कैसा रहता है आपको पेन तो बहुत देर तक रहता है इसमें जैसे अब चलता हूँ ना हाँ पंद्रह और जैसे सवेरे उठता हूँ हाँ सवेरे आधा घंटा या 45 मिनट स्टिफ ऐसे रहता है बैठता बहुत रहता हूँ बैठे बिल्कुल रहना हाँ पड़ता है रखे रखे जैसे थोड़ा आपको थोड़ा उठते ही दबाव एकदम डालता चलना हूँ हो जाना हो तो नहीं पॉसिबल सर नहीं है पॉसिबल नहीं बिल्कुल पॉसिबल नहीं अच्छा हाँ एक बार आप लेट हो तो हम जरा आपके मूवमेंट्स और देखते हैं तो राइट साइड में हाँ तकलीफ है राइट आपको तो जी लेफ्ट के मूवमेंट्स हम देखते हैं इसको मोड़ो आप तो इसका फ्लेक्शन पूरा है रोटेशन पूरे हैं कोई दर्द नहीं कोई इसमें तो कुछ बिल्कुल भी दर्द नहीं नहीं अच्छा तो एक तो इसमें पतलापन भी थोड़ा आ गया है बहुत ज़्यादा आ बहुत गया ज़्यादा है करीब करीब हाफ जो है हाफ हाँ हाफ जितना हो गया हाँ है ये हाँ वेस्टिंग बहुत ज़्यादा है अच्छा आप खुद से मोड़ के दिखाइए कितना मोड़ते हैं बस तो इतना ही 45 डिग्री तक मोड़ रहा है अगर इससे ज़्यादा दर्द मोड़ते हैं तो दर्द होता है मुझे होता दर्द होता है हाँ तो 45 पर दर्द हो रहा है अभी अब भी होता है तो एक्सटर्नल यहाँ रोटेशन होता पूरा है खत्म हो गया है अभी अभी बहुत ज़्यादा अभी भी होता हो रहा है और इस पैर को दूर ले जाना हो तो है दूर भी नहीं इतना ही जाता अभी तकलीफ तो होती हाँ है तो जी पेल्विस पूरी आपकी मूव होने लगी है जी यहाँ पे जी ठीक है तो कपिल हम 7 महीने पहले हमने आपके हिप की सर्जरी करी जी थी और कितने टाइम से आप परेशान थे इस चीज से करीब 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 16 या 17 साल हो गए थे 16-17 साल जी हुए ये बहुत लंबा टाइम होता है जी और इतने टाइम में आपका पेन भी आपको बहुत था पेन अब जैसे बढ़ता बढ़ता शुरू में तो पता नहीं लगा जैसे एज के हिसाब से भी हाँ जैसे बढ़ता बढ़ता अभी 3-4 साल पहले तो बिल्कुल डाउन हो गया था ऐसे जैसे सवेरे उठना हाँ बिल्कुल मूवमेंट नहीं थे बिल्कुल मूवमेंट हाँ नहीं एक थी घंटा आधा घंटा ऐसे बैठे रहना उठते आधा उठते उठना जैसे ऐसा लगता था जैसे धस गया अंदर कुछ अंदर धस गया है जी जैसे बिल्कुल मतलब नॉर्मल जो लाइफ होती है जैसे एकदम उठ के चले गए हाँ और आज जैसे आप कर पा रहे हो उसमें हाँ आपको कितनी परेशानी हो रही थी परेशानी तो सभी थी जैसे सॉक्स डालना शूज पहनना चलना हाँ किसी भी चीज़ में टॉयलेट में
जाने में प्रॉब्लम हर चीज। और बैठना कुर्सी पे भी पहले आप जो है ऐसा बैठना पड़ता था, पैर लंबा करना पड़ता था पूरा। अब आप शूज वगैरह पहन लेते हो, दिखाओ जरा कैसे हाथ पहुंच जाता है आपका, आराम से आप पहन लेते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपको, ठीक है। और बाइक वगैरह चलाने में पहले तकलीफ होती थी, चीजें चला लेता हूं। तो आपका जो एक्सपीरियंस था वो इन ऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि कई सारे जो पेशेंट्स हैं आपके जैसे कोई 5 साल से जो है तकलीफ में है, कोई आयुर्वेद करा रहा है, किसी ने कुछ बता दिया, तो क्या आप लोगों को बोलना चाहते हो, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? नहीं सर, पहले जैसे बोलते थे ना, मैं पहले भी करा ले, इतना टाइम नहीं लेता मैं, उस टाइम बोलते थे, लेकिन पहले 2-3 सर्जरी हो चुकी थी इससे पहले, राइट राइट, तो वैसे डाउन होता होता उसमें पहले हुई, उसमें जैसे नॉर्मल चलता था, फिर उसके बावजूद दूसरी कराई थी तो उसके बाद और डाउन हो गया था ये, और डाउन हो गया था, मतलब तकलीफ बढ़ती ही जा रही थी, बढ़ती। और ऑपरेशन के बाद की पहली लाइफ में और अभी लाइफ में कितने परसेंट आपको फायदा लगता है? अभी तो बिल्कुल 80-90% फायदा लग रहा है, ठीक है। तो एक बार जो है हम वापस से आपके हिप की जो चाल चली गई थी एक बार वो रिकॉर्ड करेंगे, देते हो कोई तकलीफ नहीं होती, पेट से लगा लेते हो, और ये चाल भी चली गई थी आपकी, बिल्कुल ये भी आ गई वापस। और पालथी मारने का कैसा था पहले, कितने टाइम से आपने सालों से पालथी नहीं मारी थी? वही 15-16 साल, 15 साल से पालथी नहीं मारी थी, अब आप मार पा रहे हो, एक बार करके दिखाएंगे, कंफर्टेबली पालथी मार लेते हो, चलो बहुत बढ़िया। पेशेंट्स आर आस्किंग के क्या हम जिम जा पाएंगे हिप रिप्लेसमेंट के बाद, विल वी बी एबल टू गो टू जिम। ये हम एक वीडियो दिखा रहे हैं आपको, ये हमारे पेशेंट है जिनको हमने MIS टेक्निक से ऑपरेट किया था, एंड विद इन फ्यू वीक्स आर दीज वीडियोस, ये वीडियो जिम के हैं, एंड ही इज अ जिम फ्रीक, ही लाइक्स टू गो टू जिम, और ये आराम से कुछ ही हफ्तों के बाद जा पा रहे हैं, सारे मूवमेंट्स कर पा रहे हैं। बट वी लाइक टू एडवाइस यू कि आप ऐसे तरीके का मूवमेंट आपकी जिस टेक्निक से हुआ हो, जिन डॉक्टर से हुआ हो, उनसे पूछ के ही करें। दीज आर स्पेशल केसेस जो हमने ऑपरेट कराए हमारी स्पेशल टेक्निक से, दैट इज़ वाई द रिकवरी इज एक्सट्रीमली फास्ट एंड दे आर रियली रियली हैप्पी, एंड देर इज़ नो प्रॉब्लम इफ़ यू लाइक टू हिट द जिम एंड इफ़ यू लाइक टू वर्क आउट आफ्टर MIS बिकनी हिप रिप्लेसमेंट और आफ्टर आर टेक्निक ऑफ हिप रिप्लेसमेंट, एंड वील बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक दिस। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। Thank you.